प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ तृतीय में हम इतिहास की दो प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पत्र है भारतीय इतिहास 1707 से लेकर 1950 तक। दूसरे प्रश्न पत्र में हम राजस्थान के इतिहास की बारीकियों को अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न पत्र है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन 3 सालों की यात्रा में हम भारत के संपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर है उसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं, अध्ययन करते हैं। सेकंड ईयर में जाकर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी 1206 से लेकर लगभग 1707 तक का मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दिल्ली सल्तनत और मुगलकालीन शासन व्यवस्था या मुगल काल के संपूर्ण अध्यायों के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन ये जो हैं तृतीय वर्ष जहाँ विद्यार्थी ग्रेजुएट होकर डिग्री प्राप्त करता है, वहाँ हम इतिहास के जो अंतिम भाग हैं 1707 से लेकर 1950 तक की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको पढ़ते हैं। अब इस भाग को हमने आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक क्यों कहते हैं, इसके पीछे ये है कि ये जो भाग हैं 1761 के बाद कुछ ऐसे मूलभूत परिवर्तन हुए, वो बोले शासन के क्षेत्र में हो या फिर आर्थिक क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जो आधुनिकता लिए हुए थे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नए नए सेक्टर स्थापित हुए आर्थिक क्षेत्र में, उसको इन वर्षों में भले ही वो 1850 के बाद हो भारत में भी इम्प्लीमेंट किया। शासन में जहाँ मध्यकालीन भारतीय शासन व्यवस्था केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को लिए हुई थी और विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों की तरह भारत में भी लगभग यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था किसी न किसी रूप से अति पिछड़ेपन को दर्शाती थी। लेकिन यहाँ शासन के स्वरूपों में परिवर्तन हुए। 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई है, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम हुई, इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना पैदा हुई। शासन के किसी न किसी स्वरूप में यूरोप और अन्य देशों में भी उनका समावेश किया गया। यद्यपि भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था तो वो परिकल्पनाएं पूर्ण रूप से उसमें स्थापित नहीं की गई, लेकिन फिर भी आने वाले समय में भारत में का शासन इन्हीं परिकल्पनाओं पर आधारित होने जाने वाला था। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के नए क्षेत्र, आने वाले समय में रेलवे की स्थापना हो या फिर नए नए उद्योगों की स्थापना हो, सड़कों की स्थापना हो, कानून की व्यवस्था हो, कानून में समानता के अधिकार हो, जनता को संवैधानिक अधिकार दिए जाने की प्रवृत्ति हो, भले बहुत ही सीमित मात्रा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय जो स्वतंत्रता प्रेमी थे उन्होंने अपनी क्रमिक मांगों के तहत उन अधिकारों को प्राप्त किया हो, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि उन सारे ही धाराओं की, उन सारे ही प्रक्रियाओं की इन वर्षों में समावेश हुआ। तो इस आधार पे हम इसको आधुनिक काल भी कह सकते हैं। 1950 तक की जो 1707 से लेकर 1950 तक भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त होना और उसके बाद संविधान का निर्माण होना, इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो पहला यूनिट है इस पूरे के पूरे जो तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम है उसको 5 यूनिट में बांटा गया है, और उन 5 यूनिटों में जो प्रथम यूनिट है उसमें जो पहला टॉपिक है अंग्रेजों के भारत आने के समय यहाँ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए, पहली बात तो अंग्रेज भारत में क्यों है, किस स्वरूप में है, ये मतलब अंग्रेज दूसरी जातियों की तरफ, दूसरे शासकों की तरफ भारत को आक्रमण
के जरिए विजेता की दृष्टि से भारत में प्रवेश नहीं किया। इससे पहले बाहरी व्यक्ति बाह्य जातियों का भारत में अंग्रेज पहली बार नहीं आए। 2000 ईसा पूर्व से ही हिंद, यूनानी, शक, कुषाण से लेकर हून और मध्यकाल में मुस्लिम्स, ये सभी भारत में आए। ये शासकीय जातियाँ थी और भारत में किसी न किसी रूप से या तो सत्ता प्राप्त करने के लिए या किसी न किसी दूसरे आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य से भारत में आए थे। लेकिन मूलतः अंग्रेज जो भारत में आए ये एक व्यापारिक ग्रुप में आए, मूल रूप से व्यापारिक कंपनी थी और पूर्णतः उनका एकमात्र उद्देश्य था कि पूर्व के व्यापार में किसी न किसी प्रकार से भागीदारी बनाकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना, ये उनका उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से वो भारत में आए, क्योंकि उससे पूर्व भारत में पुर्तगालीज और डच भारत में आ चुके थे। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद जो पुर्तगालियों ने नई यात्रा मार्ग से लगभग संपूर्ण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत में उन्होंने प्रवेश किया दक्षिणी चौक में, और उसके बाद भारत के जो यहाँ से व्यापार किया उसे बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने लाभ प्राप्त, क्योंकि यूरोप के मार्केट में भारत के जो मसाले थे, चाय थी या विलासता की वस्तुएं थी, दस्तकारी वस्तुएं थी, इनकी बहुत अधिक मात्रा में मांग थी। यानी इतनी बड़ी लागत के बाद भी एक तो सीधा सा मार्ग था भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी होते यूरोप में प्रवेश करना, इस बार जो आए थे वो पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए कुमारी अंतरिक को भी कालीकट पहुँचे। इतने बड़े व्यापारिक मार्ग आने के बाद भी भारतीय वस्तुओं की मांग के कारण यूरोप में इन लोगों को बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के बहुत सारे देश, बहुत सारे व्यापारी ये चाहते थे कि उनकी किसी न किसी रूप से भारत के इस लाभदायक व्यापार में अपनी भूमिका बनी रहे। इसलिए डचों और पुर्तगालियों के बाद में कुछ व्यापारियों ने, कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने एक जॉइंट कंपनी बनाई जिसको हम इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उस कंपनी ने भारत में शुद्ध रूप से व्यापार प्राप्त करने के लिए और उस व्यापार से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में प्रवेश किया। 1631 दिसंबर 1600 में उन्होंने भारत में प्रवेश किया। पूर्व के साथ इंग्लैंड के राजा, शासक या सम्राट से उन्होंने पूर्व में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया गया और वो भारत में आए, और उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत के इस अनुकूलित व्यापार में अधिकाधिक लाभ, और यही उन्होंने प्रारंभ में किया। उसके पीछे जो एक ऐसी कंपनी जो कुछ व्यापारियों द्वारा व्यापार के शुद्ध उद्देश्य से प्रवेश करती है और आने वाले वर्षों में न केवल वो सुदृढ़ व्यापारिक कंपनी आर्थिक सशक्तता को प्राप्त करती है बल्कि उसने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए, और न केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए, उन्होंने आने वाले 200 वर्षों तक भारत को आर्थिक और राजनीतिक उपनिवेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही, ऐसी किस तरह का भारत का राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप रहा कि उनको वो प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद कर। जब अंग्रेज भारत में प्रवेश किए लगभग 1600 ईस्वी के समय में, उस समय भारत में, उत्तरी भारत में विशाल मुगल साम्राज्य अस्तित्व में था और वो विशालता की ओर बढ़ता जा रहा था। दक्षिण की ओर उसका प्रभाव निरंतर बढ़ता, एक विशाल साम्राज्य था। अकबर द्वारा सुनियोजित ढंग से स्थापित मुगल साम्राज्य को आने वाले वर्षों में, लगभग 100 वर्षों में, जहांगीर 1628 तक, 1628 से 1658 तक, साजा और 1858 से 1707 तक औरंगजेब का सुयोग्य नेतृत्व प्राप्त हुआ, और उसके कारण मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य, यानी 1707 कुछ आंतरिक उपद्रवों के होते हुए भी लगभग संपूर्ण भारत पर मुगलों का आधिपत्य था। एक लंबे समय तक विशाल साम्राज्य की स्थापना और सुशांति ने आर्थिक रूप से मुगल साम्राज्य को संपन्न बनाया, और ऐसी परिस्थितियाँ हमेशा व्यापार वाणिज्य के लिए अनुकूल होती, और ये हुआ। मुगलों के समय में व्यापार वाणिज्य उन्नत श्रेणी का था, नए नए व्यापारिक नगर स्थापित हुए, नए नए मार्ग स्थापित हुए गए, बहुत सारे कारखाने स्थापित हुए, और ये व्यापार न केवल सुदृढ़ आंतरिक व्यापार था बल्कि ये
जो बाह्य व्यापार था विशेष रूप से यूरोप में, ये बहुत अधिक मात्रा में प्रवाह था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस व्यापारिक संबंधों में भारत को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा था। लेकिन 1707 के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन, जहां अपन देखते हैं कि 1526 से लेकर 1707 तक का जो पीरियड है मुगल शासन व्यवस्था का, उसमें 15 वर्ष शेर शाह सूरी के निकाल दिया जाए, 1540 से 1555 तक का पीरियड, लगभग 250 वर्षों तक 6 मुगल शासकों ने शासन किया। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद स्थिति, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। मुगलों की जो कुछ मूलभूत मुगल शासन व्यवस्था की कमजोरियों ने 1707 के बाद स्थिति को परिवर्तित किया, और वो परिवर्तन इस दिशा में हुआ कि 1707 से लेकर 1720 तक 6 मुगल शासक परिवर्तित हुए। एक 250 वर्षों तक लगभग 6 मुगल शासकों ने शासन किया, विशाल साम्राज्य को जन्म दिया, और यहाँ पर केवल 13 वर्षों में 6 मुगल शासक परिवर्तित हुए। और सबसे विडम्बना की बात यह है कि जो दरबारी गुटबंदी थी, दरबारियों, सशक्त दरबारियों ने अपने इच्छा अनुसार शासनों को परिवर्तित, शासकों को परिवर्तित किया। तो ऐसे कमजोर नेतृत्व, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो संरचना थी वो इस प्रकार की थी कि वहाँ पर हमेशा किसी न किसी रूप से सुयोग्य केंद्रीय शासन की आवश्यकता थी, यानी सम्राट की योग्यता प्राथमिक आवश्यकता थी। जो मूलभूत परिस्थितियाँ 1707 के बाद मुगल साम्राज्य में हुई वो अकबर के समय से ही थी, लेकिन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सुयोग्य शासक थे, उन्होंने उन परिस्थितियों को अपने अधीन रखा। लेकिन 1707 के बाद वो अयोग्य शासक, या यूं कहे कि वो योग्य शासक जो मुगल साम्राज्य के रिक्वायरमेंट थे, ऐसे योग्य शासक का नहीं होना मुगल साम्राज्य के पतन की ओर सम्मुख थी, यानी केंद्रीय शासन का कमजोर होना इस बात को अंतर्निहित करता है कि क्षेत्रीय राज्यों का प्रभुत्व अब बढ़ने जाने वाला था। और यहाँ पर भी ये हुआ। 1720 के बाद जहाँ अपन देखते हैं कि 1707 तक विशाल साम्राज्य था मुगल साम्राज्य का, लेकिन कमजोर शासकों, आंतरिक गुटबंदी और उन सभी परिस्थितियों के, भले औरंगजेब को भी अपन इस रूप में सीमित मात्रा में ले सकते हैं, तो उसके काल में वो पतन की जो दशाएँ थी, वो पतन की दशाएँ उभर के सामने आ गई थी। तो उन सब कारणों से मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, और कमजोर होने के कारण क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। 1720 के बाद एक के बाद एक, भले वो दक्षिण में मराठे हो, निजाम हो, अवध हो, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, मैसूर, राजपूताना, बंगाल, ये सारे के सारे क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहे, और न केवल अस्तित्व में आए, ये एक दूसरे में संघर्षरत रहे, और मुगल साम्राज्य कमजोर होता रहा। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर हो, राजनीतिक अराजकता का दौर हो, तो बाह्य शक्तियाँ, भारतीय इतिहास इस बात को गवाह करता है कि बाह्य शक्तियों का भारत में प्रवेश होना स्वाभाविक था। हम देखते हैं कि सशक्त मौर्य साम्राज्य के बाद 2200 ईसा पूर्व में से लेकर 300 यानी गुप्तों के शासन उद्भव तक का जो 500 वर्षों का पीरियड है, उसमें उत्तरी भारत में कोई राजनीतिक शक्ति मजबूत नहीं थी। तो क्या हुआ, बाह्य शक्तियों का एक के बाद एक प्रवेश हुआ। इंद्रनानी, शक, कुषाण, उसके बाद हूण भारत में प्रवेश आए, उन्होंने शासन व्यवस्था इसका ऐसा कैसा पूर्व मध्यकाल के जो पीरियड है गुप्तों और हर्षवर्धन के बाद, विशेष रूप से 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, कन्नौज के प्रश्न को लेकर यहाँ की जो तीन शक्तियाँ थी, एक लंबा 200 वर्षों तक का जो त्रिराष्ट्रीय संघर्ष था, उस संघर्ष ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशा को कमजोर किया। कमजोर करने का फलस्वरूप ये हुआ कि उत्तरी भारत से नई नई शक्तियों का प्रवेश, अलबरूनी के समय में, या अलबरूनी ने लिखा है कि जो मोहम्मद गजनवी है, वो मोहम्मद गजनवी लगभग 999 से या 98 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में 17 सफल आक्रमण किए। यद्यपि उसका उद्देश्य भारत में शासन स्थापित करना नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने भारत के आर्थिक संसाधनों को लूटा। कारण कि भारतीय कोई ऐसी शक्ति नहीं थी
कि वो उनको रोक सके, यानी आर्थिक अराजकता का। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया 1191 और 92, दो तराइन के युद्ध लड़ेंगे और दूसरे तराइन के युद्ध में उन्होंने उसको पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पराजित करने के फलस्वरूप में एक नई शासन व्यवस्था को 1206 ईस्वी में लाए, जिसको दिल्ली सल्तनत या इस्लामिक सल्तनत के रूप में हम मानते हैं। उसके बाद मुगल साम्राज्य। मेरे कहने का मतलब यह है, यह भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब राजनीतिक सत्ता कमजोर होगी, अराजकता होगी, क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्षरत होगी, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा किसी बाह्य शक्ति का प्रवेश होने में। और यहाँ पर भी ये हुआ, एक व्यापारिक कंपनी शुद्ध व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती हैं, भारतीय जो शक्तियाँ हैं उनके आपसी संघर्ष में वो सम्मिलित होती हैं और सम्मिलित होने के बाद धीरे 1761 के बाद में धीरे धीरे वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कन्वर्ट होकर आने वाले 200 वर्षों में वो भारत में सत्ता स्थापित करती। तो ये थी अंग्रेजों के आने के समय में भारत की राजनीतिक शक्ति। इस प्रकार से ये अपना पहला टॉपिक संपन्न होता है। धन्यवाद।